हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा ने पर्यटन इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। होटल में 1-2% बुकिंग रह गई है, जबकि तबाही के बाद अब हालात सामान्य भी होने लगे हैं। लेकिन पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आने से अभी भी डर रहे हैं, क्योंकि आपदा के कारण हिमाचल की छवि को काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन कारोबारियों ने हिमाचल में पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। टूरिज्म इंडस्ट्री स्टेक होल्डर एसोसिएशन हिमाचल के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि कोविड के समय जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की पर्यटन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, उसी तरह का ही नुकसान इस मॉनसून में हुआ है। प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल की छवि धूमिल हुई है और पर्यटक हिमाचल आने से डर रहे हैं, जबकि अब हालात सामान्य हो गए हैं। इसलिए सरकार को हिमाचल की छवि को सुधारने और पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए काम करना चाहिए। और टूरिस्टों को कहां कहां जा सकते हैं उसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान करना चाहते हैं वो प्लान करें। और हमें सबसे बड़ा फियर ये है कि जो सितंबर अक्टूबर में जो दुर्गा पूजा सीजन लगता है, उसमें जो है बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो प्लानिंग करके आते हैं, एडवांस बुकिंग्स में आते हैं। तो जब उनको रोड्स की सर्टेनिटी का नहीं पता होगा तो वो उससे डेंट पहुंचेगा, उससे हम लोगों को भी नुकसान होगा और सरकार को भी जो है रेवेन्यू का लॉस होगा। तो ये एक बड़ा जरूरी है कि जो भी रोड कंडीशन है उसके ऊपर पूरा जो है डेली बेसिस के ऊपर जो है एक बुलेटिन दी जाए, ताकि जो टूरिस्ट अपना प्लान कर रहे हैं फ्यूचर का मैं सितंबर अक्टूबर, दे कैन इजीली बुक देयर अकोमोडेशन। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न जो एडवांस प्लान टूरिस्ट का होता है वो यही होता है कि वहाँ की कनेक्टिविटी में क्या दिक्कत है। तो जब कनेक्टिविटी की दिक्कत उसको समझ जाएगी वहाँ कुछ नहीं है, तो हमारी जो बुकिंग्स भी दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी और पर्यटन को जो है इससे लाभ होगा। तो यही मैं समझता हूँ। अगर प्रभावित कितनी हुई है, अगर आप 0% ऑक्युपेंसी है, 1-2% जो ऑक्युपेंसी मैंने बोली वो ये लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल काम से आ रहे हैं, या पासपोर्ट बनाने के काम से आ रहे हैं, या बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ने आ रहे हैं, वो मजबूरन आ रहे हैं। उसमें से भी हमें कई लोगों का पता लगा कि वो कहते हैं कि सर हमारा आगे पोस्टपोन कर दीजिए, हम नहीं आ पा रहे। तो जो आना भी चाहता है वो भी थोड़ा सा जरा डरता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है। तो हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इसको जो है उसकी जो हमारी जो हिमाचल टूरिज्म की जो साइट्स चलती हैं, जो फेसबुक पर चलती हैं, उसमें इनको ये बताना चाहिए, पब्लिसाइज करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे वो सारी हमारी रोड्स इम्प्रूव होती जा रही हैं और मैक्सिमम जो हो भी गई हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले तो मैं समझता हूँ पर्यटकों को जो है इससे बढ़ावा मिले। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो 50 ईयर्स हो गए मुझे होटल इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से प्रभावित हो जाए। रेनी टाइम है, छोटा मोटा कोई छोटी मोटी लैंडस्लाइड होती रहती है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये 20 डेज के लिए ऑक्युपेंसी जीरो हो जाए। ये तो हमें वो पुरानी याद करा दी लॉकडाउन पीरियड की, जैसे लॉकडाउन में कोई नहीं आ रहा था, आज की डेट भी वही अगर आप स्थिति देखें तो। इसमें तो हमारा सारी सरकार का जो हिमाचल की जो इकॉनमी है उसका GDP का अराउंड 10% के करीब जो है टूरिज्म से आता है, तो हम ये समझते हैं कि इसके ऊपर बड़ा सीरियसली हम लोगों को व्यू करना चाहिए और इसके अंदर जल्द ब जल्द इसको रिवाइव किया जाए, ताकि जो टूरिज्म है हमारा से रिवाइव हो जाए और टूरिस्ट यहाँ पर आए। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।